बुधवार सुबह लोकायुक्त पुलिस ने उज्जैन नगर निगम के अपर आयुक्त रविंद्र जैन के घर पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापा मारा। रविंद्र जैन इंदौर रोड स्थित शिवांश सिटी में किराए के मकान में रहते हैं, जबकि उनका घर इंदौर के गीता भवन क्षेत्र में है। ये छापामार कार्रवाई लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने लगातार मिल रही आय से अधिक संपत्ति की शिकायतों के बाद की। सुबह लोकायुक्त पुलिस ने जब छापा मारा तो शिवांश सिटी के फ्लैट नंबर 604 में रविंद्र जैन घर में सो रहे थे। लोकायुक्त पुलिस के डीएसपी बंसल श्रीवास्तव ने बताया कि सिंहस्थ के पहले से ही रविंद्र जैन उज्जैन में पदस्थ हैं। उनके खिलाफ लगातार आय से अधिक संपत्ति की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद उनके शिवांश सिटी स्थित निवास पर छापामार कार्रवाई की गई। ये रविंद्र जैन अपर आयुक्त नगर निगम उज्जैन में पदस्थ हैं और ये 2014 से यहाँ पर पदस्थ हैं। इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की एक कंप्लेंट हुई थी, जिस पर से डीएसपी वेदांत शर्मा सर के नेतृत्व में इसका सत्यापन किया गया और आय से अधिक संपत्ति हुआ जाना पाए जाने पर ये दो टीम प्लान की गई और एक इंदौर में और एक उज्जैन में कार्रवाई संयुक्त रूप से की जा रही है। उज्जैन में ये शिवांश एलिगेंस हाइट जो मल्टी है वहाँ पर फ्लैट नंबर 604 में किराए से रहते थे, अभी वहां पर कार्रवाई जारी हुई है और इंदौर में टीम चल रही है। हालांकि घर की तलाशी के दौरान लोकायुक्त पुलिस को यहां से सिर्फ एक पलंग और कुछ आवश्यक सामान ही मिले, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस रविंद्र जैन को उनके इंदौर स्थित घर पर ले गई, जहां कार्रवाई की जा रही है। अब यह देखना अहम होगा कि क्या लोकायुक्त पुलिस को रविंद्र जैन के पास आय से अधिक संपत्ति मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज उज्जैन।